नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 10 Pro Plus वर्सेस Infinix Zero 20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 6.36 इंच जबकि Zero 20 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 2.91 इंच जबकि Zero 20 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 10 Pro Plus में 0.3 इंच जबकि Zero 20 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 10 Pro Plus से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 10 Pro Plus में 172.5 ग्राम जबकि Zero 20 में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 10 Pro Plus से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 10 Pro Plus में 1080x2412 और Zero 20 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 10 Pro Plus में 90.81% जबकि Zero 20 में 85.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 10 Pro Plus में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि Zero 20 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Realme 10 Pro Plus में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Zero 20 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में अननोन कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 10 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Zero 20 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में Mali G68MC4 जबकि Zero 20 में Mali G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में MediaTek Dimensity 1080 MT6877V और Zero 20 में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 10 Pro Plus में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Zero 20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 10 Pro Plus में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Zero 20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में नहीं है, जबकि Zero 20 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में Android V13 जबकि Zero 20 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Realme 10 Pro Plus में 5000 mAh जबकि Zero 20 में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 10 Pro Plus में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 020 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 10 Pro Plus में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें INFINIX020 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा IQOO Z6 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।